हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी लेबल्स पॉसिबल होते हैं, उस लेबल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाए तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन के ऊपर में आप प्रॉफिट बुक कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो हमारी कोशिश होती है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो है वो हम आप तक रोज रात को 9 बजे तक पहुंचा दें। सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों ने फिलहाल रेड पोजीशन में क्लोजिंग दी हुई है। कहने का मतलब दोनों ने पॉइंट्स लूज किया हुआ है, बट निफ्टी 50 माइनर लॉस के साथ में बंद हुआ है, विच इज 3.15 और क्लोजिंग हुई है 12,350 के ऊपर, जो कि एक ठीक ठाक क्लोजिंग मानी जाएगी। बट बैंक निफ्टी की जो नुकसान हुआ है वो 263 पॉइंट्स का हुआ है और क्लोजिंग 31,600 के नीचे की दी हुई है। बढ़िया चीज ये कि हमने 31,500 नहीं तोड़ा हुआ है, हम उसे तोड़ के एक बार नीचे गए थे पर हम सस्टेन नहीं कर पाए। सो निफ्टी 50 स्टार्टेड समय क्लोज टू 12,328 एंड मिड लो ऑफ 12,321 एंड हाई ऑफ 12,385। एक 65-64 पॉइंट्स का मूवमेंट दिन भर में निफ्टी 50 ने दिया हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी स्टार्टेड अराउंड 31,571 एंड मिड लो ऑफ 31,445, विच इज बिलो 31,500 एंड हाई ऑफ 31,773। मूवमेंट कितना हुआ, लगभग 328 पॉइंट्स का आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, सो उन्होंने निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के स्पॉट से बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो निफ्टी 50 जहां 3 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, निफ्टी फ्यूचर 3 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 240 पॉइंट गिरा है, जबकि निफ्टी बैंक 263 पॉइंट गिरा है। सो जब हम चार्ट पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका इंपैक्ट पड़ रहा है और क्यों बढ़िया दिख रहा है फिलहाल के टाइम में निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक फ्यूचर। इंडिया विक्स अगर देखें तो इंडिया विक्स ने फिलहाल के टाइम पे एक जो रेंज था कल से ज्यादा मूव दिखाया, स्विंग दिखाया हुआ है कल से ज्यादा, और क्लोजिंग हुई है 14.13 जो की हार्डली 0.05 पैसे की गिरावट के साथ में है। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ही हम बजट के नजदीक जाएंगे उसे वहां इतना वाइल्ड स्विंग देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया वीक्स के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में और स्टार्ट करेंगे अपोलो टायर्स से। अपोलो टायर्स ने फिलहाल के टाइम पे जो हाई बनाया है 182.35 का बनाया हुआ है और हमने इसे ट्रैक किया 173 से, हम इसे ट्रैक कर रहे हैं। 182-183 का टारगेट हमने लिया हुआ था, सो इसने ऑलरेडी अचीव किया है। किसी को अगर इसमें ट्रेड में कंटिन्यू रखना है सो स्टॉप लॉस 176 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, 77 का स्टॉप लॉस लगा के इसे ट्रेड किया जा सकता है अभी भी, और इसमें चांसेस बन रहे हैं कि ये लगभग आपको 185-187 के आसपास का लेवल एक बार दिखा सकता है, पर कुछ दिनों में दिखाएगा। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी हमने इसके ऊपर में काफी बढ़िया प्रॉफिट बुक किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये भी बात किया हुआ था कि इसके अंदर में 1350 तक के टारगेट्स कल के दिन मैंने बात किए थे कि देखने को मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर में आज 1317 के लेवल्स देखने को मिले, जिन्होंने ट्रेड कंटिन्यू किया रहेगा उनके लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखे गया है ये बैंक। आईजीएल में हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा था, इसके लिए हमने इसके अंदर में ट्रेड नहीं लिया था, बट आईजीएल भी फिलहाल के टाइम पे 480 का हाई बनाया हुआ है आईजीएल के ने। इसके अलावा जो हमने कल के दिन में डिस्कशन किया था उसके अंदर में डेफिनेटली इंडसइंड बैंक था, अपोलो टायर था, आईजीएल भी था। एमएफएसएल फिलहाल टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। एमएफएसएल के अंदर में मार्केट की वजह से थोड़ा निगेटिविटी देखी गई है, लेकिन अगर ये 514 का लेवल तोड़ता है सो डेफिनेटली इसके अंदर में ट्रेड कुछ भी नहीं बन के आएगा।
कैडिला हेल्थ केयर के अंदर, कैडिला हेल्थ केयर फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है 269, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो हमने जो बात किया था कि लगभग लगभग 290 के आसपास के लेवल देखने को एक बार इसमें मिल सकते हैं, सो अभी भी ट्रेड बनता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री अप मूवमेंट दिया हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्री में, और दिन के अंदर में 1119 के आसपास में गया है। टिल द टाइम ये हायर हाई पैटर्न बना रहा है, हायर लो पैटर्न बना रहा है, तब तक बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में आपको 1150 के टारगेट देखने के मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एफआईआई एंड डीआई पार्टिसिपेशन। सो दोस्तों एफआईआई एंड डीआई पार्टिसिपेशन देखेंगे तो एफआईआई पिछले कुछ दिनों से सेल करके चल रहा था, थोड़ी सी खरीदारी दिखाई दी है 264 करोड़ की, बट डीआईआई ने 500 करोड़ की बिकवाली की है। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करूं तो एफआईआई फिलहाल के टाइम पे बुलिश नजर आ रहा है, माफ करिएगा बेरिश नजर आ रहा है, नॉट बुलिश, बेरिश नजर आ रहा है। तो बुलिश कौन नजर आ रहा है? जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन एफआईआई जो स्मार्ट मनी होती है वो फिलहाल के टाइम पे बेरिश नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर में अगर हम पोजीशन देखेंगे, अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, सो निफ्टी ने जो शुरुआत किया हुआ था कल के दिन में, निफ्टी ने जो शुरुआत किया था एक ट्रेंड दिखाने की कोशिश की, और जैसा हमने एक दिन पहले वीडियो में बात किया था कि आपको 12,400 के आसपास के लेवल दिखाई दिए, सो वहां से सेलिंग पोजीशन बनती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग सवा घंटा हमने इस लेवल के आसपास में काम किया हुआ है, उसके बाद में फिर से करेक्शन आया है, और ये करेक्शन के बाद में हमने साइडवेज मूवमेंट दिखाया हुआ है। सो कैंडल कैसा बना हुआ है? ये जो कैंडल बना हुआ है कल के नीचे क्लोजिंग है, कल से नीचे 3 पॉइंट कुछ था, कल से नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, लो कल का नहीं तोड़ा है, ये बढ़िया चीज है, लेकिन हाई भी नहीं तोड़ा हुआ है। पर एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न हमें कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था, हम कंटिन्यूसली 12,400 तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। आज नतीजा ये हुआ है कि हमने नीचे क्लोजिंग दी हुई है, थोड़ा सा बॉडी हमारी स्मॉल बन रही है, कल से अच्छी बॉडी बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमने उसे नीचे क्लोजिंग दी हुई है। जो रेजिस्टेंस का काम फिलहाल के टाइम पे दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे 12,346, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग हुई दैट इज मोर देन 50 के आसपास, तो 46 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस एक बार देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं किस हिसाब से ऑप्शन चेन बिहेव कर रहा है। ऑप्शन चेन के ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल के टाइम पे 12,400 पे दिखाई दे रहा है, व्हिच इज 19,36,000 का। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,68,000 का 12,1500 पे है। सो अभी फिलहाल 12,400 फिर से स्ट्रॉन्गली एक आपको रेजिस्टेंस के रूप में नजर आएगा, और राइटिंग भी हो रही है वहां पे। 7,64,000 इज अ गुड नंबर जो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हमें। सो लगभग लगभग 20 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन 12,400, एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम 12,400 के आसपास में जब भी दिखाई देते हैं वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि कंटिन्यू राइटिंग हो रही है। जब यहाँ पे अनवाइंडिंग आपको नजर आएगी तो हम 12,400 तोड़ेंगे उस दिन। बात कर लेते हैं पुट साइड में, पुट साइड के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,300 पे है, एंड 12,350 पे इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। सो जो लेवल अभी तक हमने सजेस्ट किया था, जो लेवल में हम काम कर रहे थे 12,300 से 12,400 के लेवल में, फिलहाल के टाइम पे उसी लेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी 12,350 एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या हो सकता है? ब्रेकआउट चाहिए 12,300 या 12,400 के बाद, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की जरूरत है, लेकिन वो ब्रेकआउट होने के बाद में भी इमीडिएटली 100 पॉइंट्स पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं। सो निफ्टी गिर क्यों नहीं रहा है? निफ्टी नहीं गिरने का रीजन ये भी है कि आपको 12,300 के आसपास में बाइंग नजर आ जाती है, और 12,000 बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि 12,400 के आसपास में आपको सेलिंग नजर आ जाती है। So, इसलिए निफ्टी फिलहाल जो 12,200 से 12,300 के लेवल में अटका हुआ था, अब 12,300 से 12,400 के लेवल में अटक रहा है, और अगर नीचे के मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि 12,350 से 12,400 के लेवल में भी एक बार अटकता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन यही सजेस्ट कर रहा है फिलहाल के टाइम में। अगर मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करूं, सो फ्यूचर्स का परफॉर्मेंस, निफ्टी फ्यूचर्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 स्पॉट से काफी बेहतर नजर आ रहा है। हाँ, लो तोड़ा हुआ है, हाई नहीं तोड़ा, पर लो तोड़ा, तो लोअर लोअर हायर, लोअर 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 हाई का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जो स्टार्टिंग हुई थी, जो शुरुआत हुई थी
काफी नीचे हुए थे और रिकवरी काफी अच्छी हुई है, जबकि अगर आप निफ्टी देखेंगे यहाँ पे भी हमने शुरुआत नीचे किया था पर रिकवरी इतनी खास नहीं दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर से एक ट्रेंड दिखता नजर आ रहा है जो हमें 12,400 का लेवल पॉसिबल है ऐसा बोल रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वीक है, ये हमने पहले भी बात किया हुआ था, आज के दिन में हमें देखने को भी मिला हुआ है ये चीज। बैंक निफ्टी ने नीचे शुरुआत किया, रिकवरी की। हाँ ये चीज बहुत बढ़िया हुआ कि हमने 31,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी हुई है, बट 31,776 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑलरेडी हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हुई थी तो आपको आइडिया होगा, आपने इसके आसपास में कुछ जरूर कुछ ना कुछ पोजीशन जरूर बनाया होगा। सो एक यहाँ से सेल हमें देखने को मिला है और 31,553 पे आके हम रुके हुए हैं। जो हमने इंट्राडे में ट्रेड जो कैंडल बनाया है, ये कैंडल कल का इनडिसिसिव था, आज का भी इनडिसिसिव, डोजी नहीं बना हुआ है, इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है लेकिन लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ में बना हुआ है। जो इमीडिएट सपोर्ट अब बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है वो 31,426 से लेके 31,396 तक, ये हमें एक इमीडिएट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी ये तोड़ता है तो यहाँ से लगभग आपको 500 पॉइंट्स गिरने की पूरी संभावना बनती है, यानी हम एक बार 31,000 को टेस्ट करके उसके नीचे भी जा सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा वॉचफुल होने की जरूरत है फिलहाल के टाइम पे। देख लेते हैं ऑप्शन चेन किस तरह से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी 23rd Jan 2020 एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,29,000 का 32,000 पे है। सो 32,000 जो आपको पुट साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था अब कॉल साइड में दिखा रहा है, और यही एक रीजन है कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये 32,000 का टूटना बहुत जरूरी है हमारा अप मूव आने के लिए, हमारा एक बुलिश जो सेंटीमेंट होता है वो आने के लिए 32,000 का लेवल टूटना बहुत जरूरी है। अगर हम पुट साइड में बात करें तो पुट साइड में 31,000 के ऊपर में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,500 पे था, आज 31,200 पे 31,000 पे हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो रेंज क्लियर है फिलहाल, 31,000 से 32,000 की एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है, इसी के अंदर काम होगा। अगर छोटी रेंज के बारे में बात करें सो 31,500 से लेके 32,000 की रेंज इसके अंदर में नजर आ रही है, राइटिंग हुई है कॉल साइड के अंदर में, नीचे गए हैं हम डेफिनेटली, बट पुट के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आपको दिखाई दे रहा है। सो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम ये जो रेंज है 31,500 से लेके 32,000 का, इस रेंज के अंदर में कुछ दिन प्ले करने वाले हैं, इस रेंज के अंदर में कुछ दिन हम रहने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें सो बैंक निफ्टी फ्यूचर का बैंक निफ्टी स्पॉट से बढ़िया आपको कैंडल दिखेगा, नीचे यहाँ पे भी ओपनिंग हुई थी काफी नीचे, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन भी बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पे रिकवरी थोड़ी ज्यादा नजर आई है। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें फिलहाल बैंक निफ्टी फ्यूचर को 31,718 तोड़ना पड़ेगा अगर उसे ऊपर के मूव्स दिखाने हैं, फिलहाल ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर स्टे करना भी बहुत जरूरी है और ये क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। जिस तरह से हम देख सकते हैं ऑलरेडी हमने ये तोड़ा हुआ था लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में यहाँ पे काम होगा तभी हम यहाँ पे कुछ अच्छा मूव दिखा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ शेयर्स जो आपको कुछ मूव्स दिखा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, उसमें एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल के टाइम पे जिस लेवल पे है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन बार सपोर्ट ले चुका है, तीन चार बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले चुका है, हम 313.57 के लेवल पे है। एक बार यहाँ पे 317 पे है, सो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक लेते हैं, 313 का स्टॉप लॉस रखते हैं, 13-14 के आसपास में स्टॉप लॉस रख के एक बार आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है सो आपको लगभग 334 यानी एक 17 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। ओके भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल के अंदर में पोजीशन अच्छी बनते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास में जाते हुए भी नजर आ रहा है। सो यहाँ से अगर अप मूव चालू हो रहा है सो आपको भारतीय एयरटेल अगर यहाँ से लेट्स से
भारतीय एयरटेल कल ये लेवल सस्टेन करता तो एक बार अप मूव देखने को आपको मिल सकता है। दो 500 इज इन साइकोलॉजिकल लेवल टू, लेकिन अगर एक 495 493 के नीचे नहीं जा रहा है सो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा भारतीय एयरटेल को बाय करने के लिए, जो आप पहला 519 एंड दूसरा 537 के लेवल के लिए आप ये ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली व्यू मिलते रहे। हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलते रहे और साथ में इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी आपको बेनिफिट्स मिलते रहे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।